इस बीच एक बड़ी खबर आ गई सर, हर कोई इस खबर के बारे में जानना चाहेगा। बड़ी खबर यह है 1 जुलाई से सीबीएसई की परीक्षा होगी। 10वीं और 12वीं की बची हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के बीच होने वाली है। बची हुई जो परीक्षाएं हैं वो सब 1 तारीख से यानी 1 जुलाई से होगी। 1 जुलाई से सीबीआई की 10वीं की और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं होने वाली है। इन उन तमाम अभिभावकों के लिए इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो ये सोच रहे थे कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस में लॉकडाउन पर लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बच्चों के एग्जाम्स और इम्तिहान का क्या होगा, जो पढ़ा लिखा है जो याद किया है वो उसका क्या कर पाएंगे। और ऐसे में खबर आ गई है कि 1 जुलाई को 10वीं और 12वीं की जितनी भी बची हुई परीक्षाएं हैं वो होंगी। नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। नीरज डिटेल दीजिए। ये बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में जो 10वीं और 12वीं की जो सीबीएसई की बची हुई परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी। अभी जो टाइम टेबल आना बाकी है कि किस डेट में कौन सी परीक्षा होगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी है कि एक जो ऑफिशियल जानकारी आई है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगी, क्योंकि अभी तक 12 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 12वीं के बचे हुए हैं जिनकी परीक्षाएं होनी है, और करीब 8 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 10वीं की परीक्षाएं होनी बाकी हैं। तो ये 10वीं और 12वीं की जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो होंगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि 10वीं की जो परीक्षाएं होंगी, पहले ये कहा गया था कि 10वीं की देश में और कहीं परीक्षा नहीं होगी, केवल दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट जिले में जहां पे बवाल हुआ था उन जिलों की जो परीक्षाएं रद्द की गई थी वही होंगी। अब यहां पे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आना अभी बाकी है प्रशासनिक कि केवल जो 10वीं की बची हुई परीक्षाएं उन्हीं जिलों उसी जगह पे होगी या पूरे देश में भी जो बाकी परीक्षाएं होगी, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज और तय हो गई, 12वीं की जो परीक्षाएं बाकी हुई थी 12 सब्जेक्टों की, वो तय हो गया है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगी। तो ये आज ऑफिशियल घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से की गई है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में ये देश के लाखों छात्रों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए कंफ्यूजन उनका दूर हो गया। जी लेकिन अब इस बीच इस बात का ख्याल रखना होगा ना कि हम कोरोना काल में हैं, तो तैयारियां कैसे की जाएगी। जिस क्लास में जितने बच्चे आते थे उन बच्चों को दूर रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए उनको एग्जाम वगैरह लिखने होंगे, तो उतने लेवल पर क्लासेस मुहैया, स्कूल मुहैया कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है क्या? फिर उतने ही आपको टीचर भी चाहिए होंगे। देखिए बिल्कुल, अभी फिलहाल समय है, अभी 2 महीने का समय है। निश्चित रूप में सीबीएसई कोई ना कोई इसका इंतजाम करे। सीबीएसई के सचिव से भी जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जब भी परीक्षा हम आयोजित करेंगे तो पूरी तैयारी के साथ करेंगे और निश्चित रूप से जो भारत सरकार की एनएचई की गाइडलाइंस है उसके अनुसार करेंगे। ये सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है, मास्क सारे बच्चे पहने हों, इसके अलावा जो भी उनके पास इसेंशियल जरूरत के सामान हो वो होने चाहिए, उसके बाद ही परीक्षा सत्र में बैठ सकते हैं। अब निश्चित रूप में थोड़ा सा इंतजाम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो कभी पहले 2 बेंच में 1 बेंच में 2 से 3 बच्चे बैठ जाते थे, अब वो बढ़कर ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग में कम से कम 1.5 से 2 गज की दूरी चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 2 गज की दूरी। तो 2 गज की दूरी का मतलब ये सीधा सीधा हो गया कि एक रूम में जहां 50 बच्चे बैठते थे अब वहां पे 30 से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे या 25 बैठेंगे। तो निश्चित रूप से कमरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, इंतजाम बढ़ाने पड़ेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान कोरोना वायरस से जो बचाव के माध्यम है, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, दूसरे इक्विपमेंट हो, उन सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप में आप जिस खबर का इंतजार कर रहे हैं और जिस खबर की क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं उस पर नजर बनाए रखिएगा कि वो जहां पर दंगे हुए थे वहां पर क्या परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, उस पर भी हम आगे डिटेल लेंगे। नीरज फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ये राहत की खबर, बड़ी खबर उन तमाम अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे। तो 1 से 15 जुलाई के बीच में ये बची हुई परीक्षाएं।